लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर जारी तनाव के बीच तकरीबन ढाई महीने बाद रविवार को एक बार फिर भारत और चीन के बीच कमांडर स्तरीय बातचीत हुई है। चीन की ओर मोल्डो में दोनों देशों के बीच हुई ये नौवीं दौर की बैठक है। इस बैठक का मकसद पूर्वी लद्दाख में टकराव वाले सभी स्थानों से सैनिकों को हटाने की प्रक्रिया पर आगे बढ़ना था। एक बैठक तकरीबन 15 घंटे चली, सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी जो देर रात 2:30 बजे के बाद तक चली। भारत की ओर से इस बैठक का नेतृत्व लेह स्थित 14वीं कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन कर रहे थे। इस बैठक में भारत ने साफ साफ कहा कि चीन को टकराव वाले बिंदु से पीछे हटना होगा। इसके पहले दोनों पक्षों के बीच आखिरी सैन्य बैठक 6 नवंबर को हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों ने टकराव वाले सभी बिंदुओं से सैनिकों की वापसी पर व्यापक बातचीत की थी। भारत और चीन सैनिकों के बीच लगभग 8 महीने से सीमा पर गतिरोध बना हुआ है। राजनयिक और सैन्य वार्ता के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई है। इसके पहले 18 दिसंबर 2020 को विदेश मंत्रालय स्तर की वार्ता में दोनों देशों ने कहा था कि ये वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के साथ सभी तनाव वाले स्थानों से सैनिकों की वापसी सुनिश्चित करने की दिशा में काम जारी रखने को तैयार है। उसी वक्त नौवें दौर की वार्ता को लेकर सहमति बनी थी। पिछले सप्ताह ही सेना अध्यक्ष जनरल MM नरवणे ने कहा था कि भारत बातचीत से मसले का हल करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन भारतीय सेना किसी की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। भारतीय सेना